ऑल राइट, हेलो फोक्स, आज मैं रिव्यू करने आया हूँ एक इमोशन को, एक मेमोरीज को। जी हाँ, मतलब इस नाम के साथ अपने इंडिया के हर एक इंसान की मेमोरी जुड़ी है, जैसे मेरी भी मेमोरी जुड़ी है। मतलब मैं अपने पापा के जब आगे बैठता था, जब छोटा बच्चा था, तो बहुत मजा आता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेतक की। हेलो, हाई, नमस्ते, सलाम, जैगी बंदे का नाम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इनसे जैगी। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, मेरी बात तो सब सही है ब्रो। और चलिए आइए वॉक ऑन करते हैं, राइड रिव्यू करते हैं बजाज चेतक इलेक्ट्रिक का। लेट्स रोल ऑन। Alright, तो दिस इज ऑल न्यू बजाज चेतक इलेक्ट्रिक, जो कि चार कलर में आती है। यहाँ पे ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, हेजलनट। और इसकी अगर नागपुर प्राइस की बात करें तो 1,52,000 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अरुण बजाज, जो भी आपको अगर इसके बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप अरुण बजाज जा सकते हैं और इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए वॉक अराउंड करते हैं अपनी चेतक का। सबसे पहले डिजाइन की बात करूं तो काफी आइडेंटिकल लगता है हमारी क्लासिक बजाज चेतक से। अगर इस डिजाइन की बात करिए, पैनल की बात करूं, तो देखिए हमारा जो क्लासिक बजाज का चेतक का जो पैनल था उस तरह का लगता है, जो कि यहाँ से निकलने के बाद इसके पीछे इंजन नजर आता था। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फिट एंड फिनिश के साथ डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप फुटरेस्ट देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किए गए हैं यहाँ से, वाओ, कमाल की बात। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका नोज जो है वो भी हमारी जो क्लासिक बजाज चेतक थी उसके जैसा ये नज़र आता है। सामने यहाँ पे LED का पूरा पैनल आपको देखने को मिलेगा, LED DRLs आपको देखने को मिलेंगे। LED DRLs काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट है। थोड़ी देर बाद मैं आपको शुरू करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा ब्राइट यहाँ पे नज़र आता है। बाकी यहाँ पे नोज पे आपको चेतक की ब्रांडिंग नज़र आती है, यहाँ पे LED इंडिकेटर्स, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बाकी टायर्स की बात करें तो यहाँ पे 12 इंच के अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सामने डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा और अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया है, एकदम फिट एंड फिनिश बहुत बढ़िया है। और इसका जो कलर है वो भी अच्छा नज़र आता है यहाँ पे, वाओ, क्लास क्लास। और मुझे तो ये पुराने बजाज चेतक की याद दिलाता है यार, मतलब ये बिल्कुल नॉस्टैल्जिया है जब मैं यहाँ पे बैठ के पापा के साथ घूमने जाता था। मतलब यहाँ पे हम पकड़ा करते थे यार। और यहाँ पे ऊपर का भी आप डिज़ाइन देख रहे हैं, सो बहुत ही बढ़िया यार, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ बहुत ही अच्छा स्कूटर बनाने की ये कोशिश की गई है। क्लासिक डिज़ाइन में चेंजेस करने के बाद ये हमारी जो स्कूटर है वो सुपर इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाती है, जो कि की लेस है। जी हाँ, बिल्कुल आपको की होल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बटन स्टार्ट, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक छोटी सी डिक्की यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो इसका बूट स्पेस है वो नियर अबाउट 18 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। इतनी खूबसूरत सी की आपको देखने को मिलेगी, देखो इसका डिज़ाइन नाइस। और यहाँ पे एक की का एक काम मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी गाड़ी अगर पार्किंग में होती है तो बस आपको एक बार इसे DRLs देखिए, क्लासिक। मतलब आप जब भी पार्किंग में रहोगे, आपको अगर आपकी चेतक दिख नहीं रही है तो बस आपको यूं करना ही यूं नाइस। अभी आपको मैं बताता हूँ थोड़े बहुत फीचर इसके। सो यहाँ पे आपको फ्रंट कंसोल पे क्या कुछ मिल जाता है। यहाँ पे रिवर्स है R, यहाँ पे ड्राइव मोड D के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे एक बटन है जो कि आप ऐसे एक बार पुश करके यहाँ पर जो डिक्की है वो ओपन कर सकते हैं, वन टाइम पुश और ये ओपन। देखिए मतलब यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और थोड़ी बहुत स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। टूल किट यहाँ पे है, थोड़े बहुत चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं और ये से ये हो गया बंद। अब इसी स्विच को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारी डिक्की खुलती है। ये खुल गई हमारी डिक्की। यहाँ पे मिलेगा आपको चार्जर और ये चार्जिंग सॉकेट और इसी के साथ साथ ये हो जाएगा बंद। नाइस। हाँ जी, तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो वन चार्ज में 95 किलोमीटर तक रन करती है। मतलब आप 5 घंटे की एक बार चार्ज कर लो, 95 किलोमीटर तक गाड़ी रन करते जाओ, क्योंकि ये अपनी बजाज है यार, इसका टैगलाइन भी हमारा बजाज। खैर, अब आते हैं फ्रंट कंसोल पे, बस आपको एक बार इसे और अपनी जो चेतक है वो स्टार्ट हो गई। देखो इंस्ट्रूमेंट कंसोल इस तरह से आपको ये दिखाता है। यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, मतलब आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं, कितना किलोमीटर बाकी है, कितनी आपकी टॉप स्पीड है, क्या कुछ आपकी बैटरी रेंज है, सब आपको बता देगा। और इसका जो हॉर्न है वो थोड़ा सा सुनते हैं, हॉर्न कैसा है। प्रीटी लाउड हॉर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। रिवर्स भी आप कर सकते हैं। बाकी कुछ मैं आपको राइड रिव्यू में बताता हूँ क्या कुछ है, कैसे कुछ फीचर आप इसके इस्तेमाल करते हैं। आइए करते हैं इसका राइड रिव्यू। हाँ जी, तो ये है हमारी बजाज चेतक और ये हमारी की। यहाँ पे एक बार हमने प्रेस किया, ये हमारी
मतलब चेतक ने बता दिया कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। सो यहीं पे है ये। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका साइड स्टैंड हटाना है, ब्रेक एक बार दबाना पड़ेगा और ड्राइव मोड को दो बार दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल मोड अपना खत्म हो गया, अभी ये ड्राइव मोड में आ चुकी है। बस आपको अभी सिंपल सा एक्सेलरेटर देना है और ये हमारी चेतक चल पड़ी। हाँ, क्या फीलिंग है यार, क्या फीलिंग है। वाओ, टॉर्क देख रहे हो, टॉर्क 20 nm का टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, 20 nm का, 20 nm का टॉर्क हमारी चेतक प्रोड्यूस करती है, जो कि इसे पुल करने में बहुत हेल्प करता है। ऐसा टॉर्क होना चाहिए, आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि आप लो पावर बाइक चला रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ बढ़िया सी पावरफुल इंजन को मैं राइड कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए ओवरऑल इसकी बात कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे जो हमारे मिरर्स हैं बहुत ही ज़्यादा विजिबल हैं, मतलब कोई भी तकलीफ़ आपको उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको एक्सेलरेटर दबाना है और ये हमारी गाड़ी चल पड़नी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, थोड़े से फ्यूचरिस्टिक फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये पहले क्रॉसिंग हम पार कर लेते हैं, उसके बाद उन फीचर्स की हम बात करेंगे। हाँ, नाइस फीलिंग यार, मतलब मैं इसे चला रहा हूँ तो मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं पुराने मेमोरीज में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा ये बाइक चला रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा पूरी दुनिया को देख रहा हूँ, पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बाकी सीट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट यहाँ पे आपको मतलब महसूस होती है, मतलब बहुत ही अच्छा कंफर्ट आपको महसूस होता है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा स्टिफ नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब मिडल साइड में आपको सीट नज़र आती है। और आगे की अगर स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस ये है। आगे बहुत कुछ चीज़ें आप रख के जा सकते हैं, मतलब देखिए मेरे जो पैर हैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और इस अमेजिंग सुपर इलेक्ट्रिक स्कूटर को राइड कर पा रहा हूँ। सो मज़ा आ रहा है, हैंडी है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी ये फील होती है। अब देखिए, मैं इंडिकेटर की बात कर रहा था, जैसे मैंने दे दिया राइड इंडिकेटर, मैं यहाँ पे टर्न ले लिया हूँ, अब मैं जब हैंडल सीधा करूँगा तो अपने आप ये इंडिकेटर हो गए बंद। सो ये अच्छा फ्यूचरिस्टिक मतलब एक फीचर यहाँ पे दिया हुआ है, जो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा काम ये करती है बाइक। हॉर्न जैसे मैंने आपको सुनाया था, प्रीटी लाउड हॉर्न आपको इस बाइक के साथ नज़र आएंगे। अब बात करते हैं इसकी पावर की। जैसे मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको 20 nm की टॉर्क मिलती है, तो पावर की तो कोई कमी नहीं है, अंडर पावर नहीं फील होती है ये बाइक, बिल्कुल अंडर पावर नहीं है, ओवर पावर नहीं है, बिल्कुल बढ़िया सी, मतलब सिटी में अगर आप इसे चलाना चाहते हो सो नाइस, मतलब आप इस बाइक को फाइनल कर सकते हैं। फिट एंड फिनिश अच्छा है, इसका फील अच्छा है, सिटी में भी अच्छी फील दे रही है। जैसे मैं ट्रैफिक से अभी यहाँ पे इसको गुजार रहा हूँ, ट्रैफिक में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये चलती हुई नज़र आ रही है। हैंडल बार्स भी बहुत ही बढ़िया से इंटीग्रेट किए गए हैं, मतलब ज़्यादा आगे नहीं है, ज़्यादा पीछे नहीं है, तो लग रहा है कि मुझे, मैं एक अच्छी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर राइड कर रहा हूँ। वाओ, नाइस, यू कैन फील द नॉस्टैल्जिया विथ बजाज चेतक इलेक्ट्रिक। तो ब्रेकिंग इसके कैसे, ब्रेकिंग मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया होंगे। अभी मैं ब्रेक करता हूँ, ये फ्रंट ब्रेक, हाँ फ्रंट ब्रेक का बाइट ठीक है, मतलब नाइस, उतना भी ख़राब नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी ये बाइट देता है। आप देखिए ये, हाँ ये है, बहुत ही बढ़िया। अब रियर ब्रेक का जो है वो बाइट चेक करते हैं कैसा है। रियर ब्रेक, वाओ, बहुत ही बढ़िया यार, रियर ब्रेक का बाइट बहुत क्लास है। सस्पेंशंस की बात करें तो प्रीटी मच नाइस सस्पेंशन, अगर मैं थोड़े से भी बैड पैचेस पे अगर चलाता हूँ तो ये बिल्कुल भी कम नहीं पड़ती है। मतलब अगर आप चाहते हैं, मतलब आप अगर सोचेंगे कि बैड पैचेस पे ये अच्छा काम नहीं करेगी, सो ये देखिए ये बैड पैच आया, लेकिन बहुत अच्छे से ये काम कर रही है। बैड पैचेस पे भी वाओ वाओ
बहुत ही बढ़िया। बैड पैचेस में भी अच्छा ये परफॉर्म करती है, तो मतलब इसके पहले भी मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया है, लेकिन बैड पैचेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेशंस फील हो रहे थे, मैं पूरा हिल गया था। लेकिन चेतक के साथ ऐसा नहीं है, फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी है चेतक की, और जिस तरह से अगर आप भगाएं इसको, वाओ जू। और एक 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 छोटा सा साउंड जो है वो चेतक प्रोड्यूस कर रहा है, एक छोटा सा साउंड, पता नहीं मेरा गोप्रो कैप्चर नहीं कर पाएगा उसको, लेकिन एक एक जेट लाइक साउंड है, ऐसा साउंड मैं सोच रहे हो, मतलब मैंने देखा था आई रोबोट वगैरह, उसमें कुछ ऐसी साउंड वाली कार्स या फिर बाइक्स, मतलब पुराने ज़माने में अगर साइंस फिक्शन फिल्में देखते हैं तो साइंस फिक्शन फिल्मों में कैसे बाइक्स होते हैं या फिर कार्स होते हैं, उस तरह का ये साउंड अपनी चेतक कर रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ऐसा परफॉर्मेंस काफी कम देखने को मिलता है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं 2023 में बजाज चेतक इलेक्ट्रिक, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप प्लान कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि बजाज चेतक के साथ जाना, सो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। 152,000, जी हाँ 1,52,000 में नागपुर में ये बजाज चेतक आप अपने नाम कर सकते हैं। अगर आपको अगर लगता है कि फाइनेंस किया जाए तो फाइनेंस के बारे में भी आप अरुण बजाज आकर मिल सकते हैं, वो आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट राइड रिव्यू ऑफ बजाज चेतक इलेक्ट्रिक, अ सुपर इलेक्ट्रिक स्कूटर। मतलब मेरा यह कहना है कि मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ अ सुपर इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसके बारे में कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आइए अरुण बजाज जो कि है खामला स्क्वायर के पास, सो आओ और इस बाइक के बारे में ज़रूर पता करो। तो चलिए मिलते हैं अगले राइड रिव्यू में, तब तक लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे हाथ रखने का कहने का सबसे ये प्रो, ये पार्थ है, इसको आके जरूर मिलो बजाज में, जब भी आओ अरुण बजाज में पार्थ को मिलो, ये आपकी पूरी हेल्प करेगा।